यहाँ पे एक कटोरी रवा ले ली हूँ, जिस कटोरी से रवा ली हूँ उसी कटोरी से एक एक कटोरी दही ली हूँ, इसको इसमें मिला देंगे। इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए दही और रवा को मिक्स कर ली हूँ। अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए पैन रखती हूँ, इसमें 2 चम्मच तेल डाल दूँगी, 1 चम्मच सरसों, सरसों को चटकने देते हैं, कड़ी पत्ता, तड़के को इसमें डाल देंगे। इसी के साथ प्याज डाल दूंगी, एक प्याज कटा हुआ है बारीक, अगर प्याज आपको नहीं पसंद है तो ना डालें। थोड़ा सा शिमला मिर्च, थोड़ा सा गाजर। अब इसे इस सबको मिला लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच खाने वाला सोडा, नमक स्वाद अनुसार। इसको मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद देखिए ये काफ़ी फूल गया है रवा। अब इसमें पानी और ऐड कर लेना है, मिक्स कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा और ऐड करते हैं हल्का सा। ये देखिए ये मिक्स हो गया है। और यहाँ पे इडली के स्टैंड में इसको तेल से ग्रीस करके रख ली हूँ। अब इसी में इसको डाल लेंगे। यहाँ पे पानी रख ली हूँ, 1 गिलास के लगभग रख ली हूँ। अब इसको इसी में रखते जाएंगे। अब इसको 10 से 15 मिनट तक इसको ढक के पका लेंगे। देखिए ये हो गया है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ये हल्का सा ठंडा हो गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। इडली बनके तैयार है।